ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायति कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुति तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय हरि। मधुर मधुरमेतत् मंगलम मंगलानाम सकल निगमवल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदेव परिगीतम श्रद्धया हे लया वा भृगुवर नरमात्र तारयेत् कृष्ण नाम। काल आलोचना किया था सनातन गोस्वामी का प्रश्न का उत्तर में श्री चैतन्य देव बोला जे जीव का दुख का कारण है कृष्ण विस्मृति। इनका प्रतिकार है जे साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख आए। जीव जब कृष्ण का तरफ उन्मुख होगा तब उनका निस्तार हो जाएगा दुख से, अर्थात उस वक्त और उनका आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक त्रिताप रहेगा नहीं। प्रमाण दिया दैविज्य स गुणोमयी मम माया दुरत्या माम एव जे प्रपद्यन्ति मायामेतं तरन्ति ते। यह गीता का वाक्य। माया द्रुतिक्रमणीय है, माया को जय करना मामूली बात नहीं है, लेकिन जो भगवान का शरण में आएगा वो माया से तर जाएगा। माया उनका ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। किस लिए? जहां राम तहां नहीं काम, जहां भगवान है आलो है वहां अंधेरा नहीं आ सकता। इसलिए जो भक्त शरणागति में प्रतिष्ठित हो ये कभी माया से डरता नहीं। इस प्रसंग में एक कहानी सुनाया था। केरल पांड्रो चोल देश का अधिपति था कुलशेखर। उन्होंने शास्त्र श्रवण करते थे, साधु सेवा करते थे। तब इतना लगन हो गया भगवान में उन्होंने सुना रामायण में जे सीता को हरण किया रावण ने। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया सेना को तैयार करो मैं लंका विजय करूंगा। मंत्री साहब समझा ये महात्मा को संग से इनका ब्रेन वॉश हो गया। अभी कलयुग है इसमें तो राम या रावण का कथा नहीं है,
कहां से सीता हरण करेगा। इसलिए उन्होंने उनका विग्रह का जो जेवर था इसको चुराया। अभी उसमें कौन चोरी किया, उनका कहने का मतलब था जो पुजारी वगैरह चोरी किया, जिनको राजा श्रद्धा करते हैं, राजा का उनका प्रति श्रद्धा टूट जाएगा। लेकिन ये समझ लिया, इन्होंने बोला यहां तो बाहर का कोई चोर आएगा नहीं। इस विषय में मंत्री भी सहमत हुआ, तो उन्होंने बोला इसको विचार मैं ही करूंगा। उन्होंने सपेरा को बुलाया, 100 सांप लाओ, 100 जहरीला सांप लाया कोबरा, और एक पेटी में भर दिया, जो पेटी का 5 तरफ शीशा, नीचे सिर्फ लकड़ी है, ऊपर में एक गोल सुराख जिसमें एक आदमी को हाथ अनास में उसके अंदर में जा सके। उन्होंने क्या निर्णय लिया, सबको बोला लिया, जितना कर्मचारी था पैलेस में, दरवान से मंत्री तक सबको बुलाया, पुजारी वगैरह जो था सबको बुला लिया। क्या बोला, जो चोरी किया सांप ने उसी को डसेगा, जो चोरी नहीं किया उनको डसेगा नहीं, लेकिन सबको कोई पेटी के अंदर में अपना अपना हाथ को घिसड़ने पड़ेगा। अब तो सभी भयभीत हो गया, जो चोरी किया वो भी, जो नहीं किया वो भी भयभीत हुआ, आप किसका नंबर पहले आएगा। तो उन्होंने बोला, सम्राट ने पुजारी का तरफ से मैंने अपना हाथ को सबसे पहले घिसड़ देता हूं, और ये भी बोला हे सर्प, अगर ये लोगों का अंदर में कोई चोरी किया तो हमें दसना, अगर चोरी नहीं किया खबरदार, या मेरा पसम को परस नहीं करना। लेकिन उनको परस किया नहीं। अब नंबर किसको आएगा, मंत्री को, क्योंकि वो हेड है कर्मचारी का। अभी मंत्री भयभीत होकर उनका चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, जो महाराज ये हम लोग ही किया है। उसी वक्त उन्होंने निर्णय लिया, ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान। दुस्संग को त्याग देकर सत्संग करेंगे बुद्धिमान व्यक्ति। उन्होंने चला गया श्रीरंग क्षेत्र में, पुत्र को राजत्व संभालने के लिए बोल के ही चला गया। उस वक्त उन्होंने एक ग्रंथ प्रकाश किया, नाम है मुकुंद माला। मुकुंद भगवान कृष्ण, उनका माला मतलब उनका गुणावली को एकत्रित किया। वहां उन्होंने एक श्लोक में बताया, क्या बताया, उन्होंने होशियार कर दिया कामदेव को, ये खबरदार हमारा पास में आना नहीं, जानता है मैं कौन हूं, मैं मदन मोहन का दास हूं, तुमने गया था शिव को मोहित करने के लिए, क्या नतीजा निकला, भस्म हो गया था। और जो शिव मदन मोहन का माया से मोहित है, वही मदन मोहन का मैं दास हूं। इससे क्या साबित हुआ, जब जीव भगवान का चरण में शरणागत तो हो जाते हैं, तभी वो निडोर हो जाता है, उनका पीछे
सर्वशक्तिमान है। इसलिए फिर बताते हैं, माया मुग्ध जीवेर नहीं कृष्णो स्मृति ज्ञान, जीवेरे कृपाए कोइला कृष्ण वेद पुराण। जो माया मुग्ध जीव, इनको कृष्ण स्मृति नहीं है, इसीलिए इनको कृपा करने के लिए ही कृष्ण वेद पुराण आदि शास्त्र प्रकट किया। वही जो पहले बोला साधु शास्त्र कृपा है, यदि कृष्णोन्मुख करने के लिए ही वेद पुराण आदि शास्त्र प्रकाश किया। कैसे जानते हैं भगवान? भगवान तीन प्रकार से अपना को प्रकाश करते हैं। कृष्ण ही तीन प्रकार से कृष्ण ज्ञान देने के लिए अवतरण करते हैं। कौन सा कृष्ण ज्ञान? ना वेद, वेदांत, भाष्य आदि, श्रीमद् भागवत, यह है शास्त्र। और भागवत श्रेष्ठ, भक्त श्रेष्ठ गुरु, और क्या है? अंतर्यामी, हृदय में भगवान ही प्रेरणा देते हैं। ये तीन रूप से जानते हैं। शास्त्र गुरु आत्मरूपे आपनारे जानान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर हो गया। भगवान ही शास्त्र गुरु और अंतर्जमी रूप से अपना आप को जानते हैं। उससे क्या होता है? ये कृष्ण ही मेरा प्रभु, कृष्ण ही मेरा त्राण करता, उद्धार करता, ये जीव को जानकारी होता है। जीव जानते हैं। कौन जानते हैं? जो भगवान में शरणागत है। भगवत तत्व कोई नहीं जान सकते, जानते सकता है। सेवोन्मुख ही जीव भाजो स्वयं एव स्फुरित्यत। जिनका चित्तवृत्ति सेवोन्मुख, वही उनमें स्वयं स्फुरित होता है। वो जानता नहीं, उनमें हृदय में स्फुरित होता है। शास्त्रों में तीन किस्म का अन्वेषणीय तत्व व ब्रह्म वस्तु बताया। तीन किस्म का क्या? न वेद शास्त्र कहे संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीन किस्म का। कृष्ण प्राप्त संबंध, भक्ति प्राप्तिर साधन, और अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन। और वही पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेमी है महाधन। पुरुषार्थ मतलब पुरुष का अर्थ, अर्थ मतलब प्रयोजन। क्या प्रयोजन है? ना प्रेम प्रयोजन। तो इसे सबसे पहले क्या जानकारी करना? संबंध। संबंध क्या? संबंध कृष्ण से संबंध। किस लिए?
ना कृष्ण से ही हमारा उत्पत्ति। बोले ऐसे तो बोला जतो बा इमानी भूतानी जायन्ति जिनो जातानी जीवन्ति जत प्रजन्ति अभिसंग विसन्ति तदवी जिज्ञस तदीव ब्रह्म। तो ब्रह्म से ही तो उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्म का कारण कौन है? गीता में बताया ब्रह्मण ही प्रतिष्ठाहम, मैं ब्रह्म का प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा बोले तो बैकग्राउंड ओरिजिन। अमृत अव्यय, मैं अमृत मैं अव्यय, हमारा व्यय नहीं है। फिर दूसरी जगह में बताया खरात अतीतो अहम, खर वस्तु जो जगत ये जातीय वस्तु मैं नहीं हूं। अक्षराद अपि च उत्तम, अक्षर वस्तु ब्रह्म उनसे भी मैं उत्तम हूं। अतोस्मि, इसी कारण लोके वेदे च कथित पुरुषत्व, लोक और वेद मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। वही पुरुषोत्तम है कृष्ण। और गीता, और गीता में बताया ये भूमिर आप नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अंग में भिन्न प्रकृति रष्टधा इतोस्तु अन्यं प्रकृतिं बुद्धि में परम जीवभूतं महाबाहु जावेदं धर्जति जगत। ये पंचभौतिक देह मेरा अपरा प्रकृति से ही, ऐसा कि सूक्ष्म शरीर भी अपरा प्रकृति से है, लेकिन इसका छोड़ करके मेरा और एक परा प्रकृति है जो जिससे जीव उत्पन्न हुआ। इसलिए शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, आत्मा का, तीनों का संबंध भगवान से। इसलिए हमारा संबंध भगवान से संबंध है। यही तत्व जानकारी का नाम है संबंध ज्ञान। जिसलिए हमारा अस्तित्व, हमारा स्थायित्व, हमारा सुख प्राप्ति उनसे ही निर्भर करते हैं, तो संबंध उनसे ही है। और संबंध ज्ञान बेगर प्रीति कभी हो नहीं सकती। जिसका पुत्र पैदा हुआ नहीं, अगर दूसरे को पुत्र को पाल ले, उनसे प्रीति होता या नहीं? पालने से भी होता है। इसलिए एनर्जी दिया। हैदराबाद में देखा एक वृद्धा भक्तिमती मठ में आती थी रोज। उनका लड़का एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया, और उनका लड़का का एक लड़की था, पुत्र बोधु को उन्होंने ज्यादा पढ़ाया, पहले मैट्रिक किया था, उनको बीएससी कराया और वहाँ शिक्षकता करने लगी, पढ़ाने लगी। अभी उनका प्रॉपर्टी है, लड़का था इंजीनियर, उनका पिता था भोगेल संदार कोठी। अभी उनका रिश्तेदार लोग बोला तुम एक बच्चा को ले लो, गोद ले लो। जबरदस्ती उनको गोद दिलाया, ले भी लिया, पालन किया। कोई लड़का मठ में आते थे, वो शिक्षयित्री माँ जो है जिन्होंने उनको एडॉप्ट किया आते थे, उसका नाम रखा था लड्डू। मठ में आते थे क्योंकि दादी के साथ नित्य प्रति आते थे बच्चा, मठ वाला थोड़ा प्रसाद दे देता था। आहिस्ते आहिस्ते पढ़ाई में
ये लड़का होशियार निकला। और जिनका लड़का ये, उनका दूसरी लड़का जो बड़ा को अपने पास रखा था, वो ब्रेन उनका डाल है। अभी वो चाहते हैं इस लड़का को बदल में उस लड़का को ले ली। तो मेरा पास कहने लगी वही माताजी, उनका दादी, ये महाराज ऐसा कहते हैं, मेरा तो प्रीति नहीं है। मैंने बोला दे दो। बोलता है देने के लिए तो कहता हूं लेकिन बहू रोती है। मतलब जिन्होंने उसको बच्चा लिया था, पालन किया, पढ़ाया थोड़ा दिन, उसमें प्रीति जम गया, वो देने के लिए रुचि नहीं रखते हैं, रोते हैं। उससे नीति किया, नीति से उनका ही जय हुआ। किस लिए? एक दफा दे दिया, उसका बाद उनका हक नहीं है वो ये करने के लिए। इनका संपत्ति को अधिकार उसी रोज से ही बना है, लेकिन उसको नहीं ले सका। तो मेरा कहने का मतलब, जब एनर्जी दिया जाता है, दूसरी लड़का से भी तो प्रीति होता है। इसी माफी जब भगवान के लिए एनर्जी दिया जाए तो भगवान में प्रीति अवश्य ही होगा। भगवान बोलते कृष्ण से, उनमें समस्त रस है, रस का भंडार है। वो भी देव कैसे, जब कृष्ण से ही संबंध, तो उनको कैसे प्राप्ति होगा? प्राप्ति होगा इसको बोला भक्ति से। भक्ति क्या होता है? ना ऋषिकेनो ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ऋषिकेनो, ऋषिक मतलब इंद्रियो, इंद्रियों से, इंद्रियों का अधिपति जो भगवान, इनमें इनका सेवा से ही भक्ति होता है। यह है अभिदेव। इससे क्या मिलेगा? ना प्रयोजन मिलेगा। प्रयोजन क्या? प्रेम। सेवा से ही तो प्रेम होता है, प्रीति होता है। इसीलिए शास्त्र में यही अभिदेह का बारे में बहुत किस्म से बताया, 64 अंग बताया। हर तरीका से सेवा करे तो दिल अपना आप उधार चला जाएगा, प्रीति स्वाभाविक होगा। जब प्रीति होगा तभी कह सकेगा, जैसे मेरा भाई कही, मेरा प्रभु गिरिधारी, दूसरी न कोई, गिरिधारी है मेरा और कोई नहीं। इसको ही शास्त्र में अभिदेह बताया। और इस अभिदेह सुष्टु भाव से अनुशीलन करे तो प्रेम होता है। भक्ति प्रेम भी भक्ति और ये साधन भी भक्ति। लेकिन जैसे दूध को उगलने से जितना गाढ़ा होता है उतना ही उनका गुरुत्व बढ़ता है। दूध को पकाते पकाते खोआ बना देते हैं, उनका स्थायित्व भी ज्यादा और उनका स्वाद भी ज्यादा। इसी माफी साधन भक्ति, उसका 20 स्टेज है भाव भक्ति, उसका आखिर स्टेज है प्रेम भक्ति। लेकिन तीनों का फल एक नहीं। साधन भक्ति से क्लेश रहेगा नहीं,
साधन भक्ति होता है क्लेशोग्नी, क्लेश को विनाश करने वाली। क्या क्लेश है? आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। और क्या होगा? न सुवदा, जो कुछ होता है इस सब में ही शुभ देखेंगे। शुभ देखने की योग्यता साधन भक्ति से ही होता है। भक्ति अनुशीलन ना करे तो सुख देख नहीं सकता। 64 भक्ति का अंग जहां बताया उसमें एक भक्ति अंग का नाम रखा है तत्कृपावलोकन, भगवान की कृपा देखना। ऐसा साधारण लोग समझते हैं जब भक्ति होगा, कृपा होगा तो सभी तो देखेगा ना, देख नहीं सकता। देखने का भी योग्यता हो, कैसे मिसाल देता हूं। एक राजा था, उनका मंत्री कृष्ण भक्त, इन्होंने हर बातों में कहते हैं भगवान जो कुछ करते हैं मंगल के लिए ही। राजा इसको अच्छा नहीं समझते थे। एक रोज शिकार करने के लिए जा रहा है, रास्ता में तीर से उनका खब्बा हाथ का कनिष्ठ अंगुली जुरा काट गया और इससे खून निकलने लगा। उस वक्त राजा मजाक से मंत्री से पूछा, मंत्री साहब ये भी मंगल के लिए? हाँ हुजूर, मंगलमय। राजा को बड़ा गुस्सा हुआ, अंगुली कटा मेरा, तकलीफ हो रहा है मेरा, उनको बोलना तो आसान है, अगर उनका हाथ कटता तभी मालूम पड़ता। जाते जाते एक अंधा कूप देखा, उसके ऊपर घास फूसे, धकेल के मंत्री को वहां गिरा दिया और क्या बोला, भगवान तेरा भला करे, मंगल करे। सबको मना कर दिया, खबरदार किसी ने इसको उठाना नहीं। मंत्री वहां रात भर पड़ा रहा, मच्छर कटने लगे और कीड़ा मकोड़ा उनको डसने लगे, लेकिन उन्होंने दुखी नहीं। तूफान आया, जैसे परसों आया था जोर तूफान, और ओला भी गिरने लगा, सभी भाग के चला गया सहारा लेने के लिए। ये राजा भाग नहीं सका, इनको डाकू लोग पकड़ लिया और इनको उठा के ले गया देवी का सामने में, इनको बोली चढ़ाएगा। था अमावस्या का रात्रि, असंदार सुपुरुष मिला, अच्छा बोली चढ़ाएंगे। स्नान कराया, सिंदूर लगाया, अभी जुपकष्ट में गला को फंसा दिया, दो आदमी दो हाथ खींचा और दो पैर खींचा। अब पुरोहित मंत्र पढ़ के जब बोल देंगे, क्या मंत्र पढ़ेंगे, ओम रिंगरांग स्वाहा। जब ऐसा रिंगरांग स्वाहा बोलेगा तब जल्लाद वो देखे बलि छोड़ा देंगे। लेकिन जो पुरोहित वो उनको अच्छा तरफ से निगरानी कर रहा है, उसी वक्त देखा, क्या देखा, इनका उंगुली से जुरा जुरा खून निकल रहा है। सरदार को बुलाया, देखो ये पहले ही बोली चढ़ चुका है, इसको तो बोली दिया नहीं जाएगा, अगर चढ़ाओगे तुम्हारा उल्टा फल होगा, अगर तुम कहो तो मैं मंत्र पढ़ देता हूं, लेकिन तुमने जो चाहता है ये मिलेगा नहीं। तब क्या किया, उसको
निकल दिया जो कष्ट से, गर्दन पकड़ के धकेल दे, निकल दे भाग, सारा मेहनत बर्बाद कर दिया। अभी राजा को जो गर्दन पकड़ के निकल दिया, इतना बड़ा बेस्ट किया, इससे राजा का दुख हुआ या सुख हुआ, क्या हुआ? सुख हुआ। किस लिए? जान बच गया। इस वक्त उनका दिमाग में बैठा मंत्री साहब जो कहा था, ये तो सही बात है, मैं तो समझा नहीं, मंत्री का चरणों में मेरा अपराध हो गया। इन्होंने आदमी भेजा, मंत्री को उठा के लाया और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे, ये मंत्री साहब मुझे माफ कर दो। उन्होंने बोला, महाराज आपका कुछ कसूर नहीं है, आप राज पुरुष है, इसलिए आपको उंगली कट के भगवान पहले ही आपको बचा दिया, और मैं आपका सेवक हूं, हमारा भी कुछ सुकृति है, इसलिए धकेल के कुआ के अंदर में गिरा देकर मुझको ही बचा दिया, मैं तो आपको छोड़कर नहीं जा सकता, तो नंबर मेरा आ जाता। तो ये मंगल के लिए है कि नहीं? ये दिखेगा साधन भक्ति में, दिखेगा भाव भक्ति में, क्या दिखेगा? ना मोक्ष लघुतकृत, दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाएगा, मुक्ति का तरफ ध्यान नहीं जाएगा, एक खोटा चीज है। और क्या समझेगा? ना सुदुर्लभ, भक्ति कोई आसान बात नहीं। सुदुर्लभ कैसे? ना ज्ञान तो सुलभा मुक्ति, ज्ञान अनुशीलन करे मुक्ति सुलभ सहज मिल जाएगा। भुक्ति यज्ञादि पुण्यतोई, यज्ञ आदि पुण्य कर्म करे भोग मिल जाएगा, जैसे अश्वमेध यज्ञ करे स्वर्ग में जाएगा, अश्वमेध यज्ञ करे स्वर्ग का राजा बन जाएगा, सौ जन्म तक संन्यास धर्म पालन करे ब्रह्मा बन जाएगा। लेकिन श्रेय साधन सहस्त्री, हजार श्रेय साधन से हरिभक्ति सुदुर्लभा, हरिभक्ति दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ, ये अनुभव होगा। क्यों? यह पुरुषार्थ शिरोमणि, पुरुष का प्रयोजन का सिर का मणि, इसलिए प्रेम है महाधन। कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्तिर कारण, कृष्ण सेवा करे कृष्ण रस आस्वादन। साधन भक्ति से ही साधु जो प्रेम उनका चेष्टा, क्योंकि भक्ति ही चरम अवस्था में प्रेम नाम प्राप्त होता है। इसको दृष्टांत देकर समझाता है। कैसे? अभिदेव है चार प्रकार की, लेकिन हरिभक्ति की निरापद और अनायास वर्णन किया। कैसे? इहाति दृष्टांत, एक दृष्टांत देके समझाया। जैसे दरिद्रेर घरे सर्वज्ञ आसी दुख देखी पूछे ताहरे, दरिद्र का घर में सर्वज्ञ आया
जो सब जानते हैं, भविष्यत वर्तमान व अतीत जानते हैं, वो आके कहते हैं। क्योंकि देखा ये व्यक्ति दुखी है, इसलिए पूछा तुम्ही क्यों एतो दुखी, तुम्हार आछे पितृधन, तुम्हारे ना कहिल अन्यत्र छाड़िल जीवन। ये मिसाल दे रहा है कि तुम इतना दुख क्यों उठाते हो, तुम्हारा पिता का धन है लेकिन तुमको कहे कि ना जा नहीं सका। उन्होंने शरीर त्याग दिया, रुपया जो है धन जो है ये बात तुम्हें नहीं कह सका। तब सर्वज्ञ बोला धन है, इसीलिए जब धन है सर्वज्ञ का सर्वज्ञ वाक्य करे धनेर उद्देश्य ओसे वेद पुराण जीवे कृष्णे उपदेशे, कृष्ण उपदेशे। जैसे सर्वज्ञ बोला तुम्हारा पिता का धन है, धन है तो कहाँ है इसका अनुसंधान करेगा। इसी माफी वेद शास्त्र कहते हैं कृष्ण का बारे में उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? सर्वज्ञेर वाक्य मूलधन अनुबंध, सर्वशास्त्री उपदेशे श्री कृष्ण संबंध। अनुबंध क्या, कारण क्या हुआ ना, वो जो सर्वज्ञ बोला अभी धन का धन अनुसंधान करने के लिए वो कारण बना जिसलिए बोल दिया। इसी माफी सब शास्त्र में क्या उपदेश देता है ना, श्री कृष्ण संबंध। जैसे गीता में बोला बापेर धन आछे ज्ञाने धन नहीं पाए, तबे सर्वज्ञ कहे तारी प्राप्ति रूपाए। तुम्हारा पिता का धन है ये बात बोलने से धन मिल जाएगा, कहाँ है कैसे मिलेगा ये तो जानकारी चाहिए, पिता का धन है इससे क्या होगा, इससे धन मिलेगा नहीं। तब सर्वज्ञ कहते हैं उनको कैसे मिलेगा कहाँ मिलेगा वो बताएगा। यही स्थाने आछे धन यदि दक्षिणे खुदीबे, यहाँ धन है इस विचार से जब दक्षिण दिशा में क्या करो खुदाई करो तब क्या होगा, भीम रूल बुरुली उठीबे धन न पाइबे। दक्षिण देश में खुदाई करोगे तो भीमरूल और बोरुली, भीमरूल भीमरूल होता है एक किस्म का कीड़ा बड़ा बड़ा, एक होता है पीला रंग का और एक होता है लाल रंग का, दोनों ही डसता है। अगर दक्षिण देश में खुदोगे तो भीमरूल बुरुली उठेगा, धन तुम्हें मिलेगा नहीं। पश्चिमे खुदीबे तहा जोख एक है, अगर पश्चिम दिशा में खुदाई करोगे वहां एक जोख है, से विघ्न करीबे धने हाथ ना पड़े, वो विघ्न करेगा धन में हाथ नहीं दे सकूंगी। लोग जग देता है धन रख के एक जीवंत तो बच्चा को वहां
दबा देते हैं उनको संकल्प पढ़ा के, मेरा पुत्र उसका पुत्र उसका पुत्र उसका पुत्र, सात पीढ़ी का नाम उल्लेख करके वो दबा देते हैं और वो जक बन के रहता है। वो बाधा देगा था, दूसरी को हाथ लगाने नहीं देगा, उनका वंश वाला कोई देगा। उत्तरे खुदिले आचे कृष्ण अजोगर, अगर उत्तर दिशा में खुदाई करो तो आचे कौन सा है ना, कृष्ण अजोगर, काला रंग का एक अजगर, अजगर एक सांप, वो कहाँ नहीं जाता है शिकार करके खाने के लिए, वो वहां से ही सांस से खींच लेते हैं। जैसा जैसा अजगर है उनका इसमें भी क्रिया है, कोई कोई अजगर छोटा है वो बकरी वगैरह को सांस से खींच लेते हैं। जब हमारा वहां मठ था बर्मा में, उस वक्त गिरी महाराज उनका साथ संत महाराज आदि छोटा छोटा ब्रह्मचारी ये लोग जा रहा था, वहां बस चल रहा है इनंजंग से जा रहा है। उस वक्त क्या हुआ, एक बकरी पीछे तरफ जा रहा है लेकिन वो आवाज करता है, जैसे मजबूरी से उनको खींच लेते और वो आवाज करते हैं और आस्ते आस्ते पीछे तरफ ही जा रहा है। ये लोग उनको समझ में आया नहीं, वहाँ जो स्थानीय लोग उसने बताया ये जंगल में कहाँ है अजगर, उसने सांस से इसको खींच लेता है, वो भाग नहीं सकता, वो उसके अंदर में चला जाएगा ग्रास कर लेगा। तो कहते हैं तब अजगर क्या करेगा, तुमको निगल लेगा, धन मिलेगा नहीं, तब क्या करेगा, तुम के अकेला नहीं लोजदीग में जो रहेगा तुम्हारे साथ उसको भी ग्रस कर लेगा। पूर्व दिके ताते माटी अल्प खुदी थी, धनेर झारी पड़ीबेक तुम्हार हाथी थी, अगर पूर्व दिशा में थोड़ा से मट्टी खोदो तो धन का खजाना घड़ा ये तुम्हारा हाथ में आ जाएगा। वैसे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग तजी भक्ति कृष्ण बस है भक्ति तारे भोजी। इसी माफिक शास्त्र में कहते हैं कर्म, कर्म क्या होता है, भीमरूल बोरुली। ज्ञान, ज्ञान क्या होता है, जक्खो, सेवा करने नहीं देगा। और योग होता है अजगर, ग्रास करेगा, योग विभूति में तुम मस्त हो जाओगे। भक्ति से ही उनको भजन करो तब मिलेगा प्रमाण, हर एक बातों में प्रमाण देके ही कहते हैं, मनमानी नहीं। भागवत एकादश स्कंद चतुर्दश अध्याय 20-21 श्लोक नम न साधयति मां जोगो, जोग से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, न संतं ज्ञान से भी नहीं, धर्म उद्धव, धर्म बोले तो वर्ण धर्म आश्रम धर्म पालन से भी नहीं प्राप्त कर सकते, न साध्याय सब शास्त्र अध्ययन से भी मुझे प्राप्त नहीं करेगा, तप तपस्या से भी नहीं, 10,000 साल जमुना का पानी के अंदर में गोता लगा के तपस्या किया था, सौ होरी मिला था,
विश्वामित्र 60,000 वर्ष तपस्या किया, उनको मिला था, मिला नहीं। ना श्रद्धा स्तप त्याग, त्याग से भी मिलेगी नहीं, तपस्या मिले। यथा भक्ति ममोर्जिता, जैसे मेरा उर्जिता भक्ति, शुद्ध भक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है और किसी से नहीं। तो जथा जब बोला तो कुछ तो मिलता है, हाँ कुछ मिलता है। क्या मिलता है? कर्म करे तो स्वर्गादि मिलेगा, ज्ञान अनुशीलन करे मुक्ति मिलेगा, योग अनुशीलन करे योग विभूति मिलेगा। लेकिन भक्ति से जो मिलता है वो मिलेगा नहीं। भक्ति से क्या होता है? चित्त प्रसन्न होता है, वहां चित्त प्रसन्न का सवाल ही नहीं, ऐसी बात है। दूसरी क्या बोला? भुक्ताहम एक अयाग्रज, श्रद्धयात्मा प्रिय सदाम, भक्ति पुनाति मनिष्ठ स्वपाकान अपी संभवात्। एकमात्र भक्ति से ही मैं ग्रज्य होता हूं, मुझको प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान प्रिय सत्, भक्ति पुनाति मनिष्ठ स्वपकान भी, यही भक्ति मुझे निष्ठा युक्त भक्ति चाहे चंडाल हो उनको भी संभव। भक्ति का इतना महिमा है। अभी काल आलोचना किया था गजेंद्र मक्खन से, गजराज जब अपना और अपना रिश्तेदारों को मिली तो चेष्टा से ग्राहों से अपना आपको छुड़ा नहीं सका, 1,000 साल लड़के थक गया, अभी नाक कान में पानी घुसने लगा, अपना हौसला खो गया, तब क्या करे? तब उन्होंने पूर्व जन्मों का शिक्षानुसार भगवान को स्तुति करने लगा। क्या लगा? ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषाय आदिबीजाय परेशायाभिधीमहि जस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं जोस्मात् परस्माच्च परस्त्वं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। जोसात्मनीदं निजमाये अर्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरुहितं अविद्वद्रिक् साक्षुभयं तदीक्षति स आत्ममूल अवतुमां परात्पर। वो 3 श्लोक कल आलोचना किया था, ये 4th श्लोक आज का है। जिनकी स्वकीय माया में अपने में अर्पित यही जो विश्व इस वक्त प्रादुर्भूत होता है, प्रकट होता है, और इस वक्त एक तिरोहित तो हो जाता है, ये दोनों अवस्था में कार्य और कारण सब प्रकाश, जिन्होंने प्रकाश रहती है, प्रकाश मान रहती है, और साक्षी रूप से अलुप्त दृष्टि में
निरीक्षण करते हैं। वही परात्पर प्रकाशक का प्रकाशक मुझे रक्षा की। कैसे होता है? न जगत को सृष्टि करते हैं और वक्त पर इसको प्रलय करते हैं। भगवान इसका परे है, इन्होंने सृष्टि भी नहीं और इनको लय भी नहीं, तिरोहन नहीं होता। इसलिए भगवान के बारे में जब आचमन करते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पुष्यन्ति सूरय। विष्णु का पद ही परम पद और सूर्य होने इनको हर वक्त दर्शन करती है। हर वक्त किसको दर्शन कर सकते हैं? जो हर वक्त रहते हैं। किसने दर्शन करते हैं? ना सूर्य होने, भक्तों ने। इसी कोई दूसरी परिभाषा में बांग्ला में कहा, नीचाए चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। भगवान नित्य, उनका सेवक भी नित्य। सप्त जीव तो नित्य ही है, जीव का तो मौत होता नहीं। ये तो सत मतलब नित्य काल रहते हैं। तो भक्त नित्य काल और अभक्त नित्य काल नहीं है ना। अभक्त अपना ज्ञान में प्रतिष्ठित तो रहता नहीं, वो बीजाकार में सुप्त रहता है, लेकिन भक्त प्रकाशित तो ज्ञान में रहती। इसीलिए सदा वो पश्यन्ति सूरया, जीव को बोला, जीवो नहीं बोला, भक्तों उन्हें दिखते हैं। इसका नष्ट नहीं होता, इसलिए बोलते उनको सेवक भी नित्य। यदि सेवक नित्य ना हो तो सेवा नित्य कैसे होगा? इसलिए भगवान जैसे नित्य, उनका सेवक भी नित्य। इसलिए हरेक अवस्था में सब प्रकाश और साक्षी रूप से अलुप्त दृष्टि से ये निरीक्षण करती। अलुप्त दृष्टि मतलब इनका दृष्टि का कोई परिच्छेद नहीं, हम लोग उनके जैसे ये पाता पढ़ते वहां नहीं, स्थिर दृष्टि में दिखते हैं। इसमें भी परात्पर पर अपर सब का प्रकाशक जो भगवान, अर्थात कार्य कारणात्मक विश्व, यह अनादिकाल से सत्य रूप से अवस्थित है। इसके लिए स्व और पर प्रकाश तत्व बताते हैं। समाया, समाया मतलब वही भगवान का अपना माया द्वारा ही, अर्थात जिनका इच्छा से ही कभी लुप्त होता है तो कभी प्रकाशित होता है। जब प्रलय काल होता है, यही विश्व अंतर्हित होता है, अंतर्ध्यान प्राप्त विश्व को, इनमें उनका दृष्टि का लोप होता नहीं, दृष्टि बजाए रहते हैं। इसलिए उन्होंने ही साक्षी, साक्षी वही दे सकता है जो देखा, इन्होंने सब कुछ देखते हैं। अ
और आत्ममूल माने उनका मूल भगवानी, मूल मतलब जिससे प्रकाशित होते वही मूल, और उन्होंने सब प्रकाश। ऐसा कि परात्पर ना चक्षु से देखते हैं और उन्होंने चक्षु का भी प्रकाशक अर्थात प्रकाशित समूहों को भी प्रकाशक। इसलिए श्रुति में बोलता है कि चक्षु का भी चक्षु है, कान का भी कान है, कान से तो सुनता है, उनका भी बुरड़ी ये गाय। कालेन पंचत्व मितेषु कृष्णसु लोकेषु पालेषु च सर्व हेतुषु समस्त दासि गहनम गुभीरम जस्तस्य पादे भी विराजिते विभु। यथा जिस प्रकार कालेन पंचत्व मितेषु कृष्णसु, कालेन मतलब द्विपरार्ध काल में जब ब्रह्मा का आयुशेष होता है इसके बोलता कालेन, इसमें समस्त कारण लोक लोकपाल ये संपूर्ण विनाश प्राप्त होता है। उस वक्त क्या होता है गभीर तमो अंधकार वर्तमान था, जो भगवान जो विभु इस तमराशि का ऊपर में पारो में विराजमान था, मैं उनको आश्रय ग्रहण करता। हम लोग देवता लोग उनको कहते हैं, संस्कृत डिक्शनरी अमरकोश में कहते देवता को अमरा निर्जरा देवा, बोलते अमरा देवता अमर। हमारा आयु से जब विचार करे तब वो लोग अमर ही है, हमारा आयु में तो उनको अंत नहीं देख सकता हूं, लेकिन ये लोग भी जाते हैं वो जो कालेन दीपरार्थ काल में विश्व के साथ ब्रह्मा, ब्रह्मा कहाँ रहते हैं सत्यलोक में चतुर्दश ब्रह्मांड का ऊपरी भाग में, लेकिन सब चला जाता है लेकिन भगवत धाम नहीं जाता, प्रलय भगवत धाम जाएगा नहीं, भगवान तो जाएंगे नहीं भगवत धाम भी नहीं जाएगा। इसलिए मार्कंड ऋषि 7 दफा प्रलय देखा था, सप्तकल्प कल्प प्रलय ये देखा था। यही जो दुर्विध अंधकार जो रहते हैं इस अंधकार का परोपार में विभू रूप से विराजमान रहते हैं वही प्रभु, नाम नहीं बोला। अब तम बोलने से क्या ना, यही प्रलय काल में जो अंधकार पैदा होता है उनका परपार में अवस्थित है। इसलिए श्रुति में कहते हैं आदित्य वर्णम तमस परस्तात् शेतात्सर उपनिषद में कहते हैं, अर्थात भगवान अज्ञान का अतीत सूर्य का भांति सब प्रकाश महान पुरुष को मैं
जानते, उनको ही जानो। उनका जानने से ही साधक मृत्यु को अतिक्रम करते हैं। परम पद प्राप्ति के लिए दूसरी कोई पथ नहीं, उनका शरणागति होकर उनको सेवक बनना छाड़ा। नजस्य देवा ऋषयो पदं विदु जंतु पुनः को हृदय गुंत मेरी तुम जता नट सकृति विचेष्टतु दूरत्वयानुक्रमण स मावबुधु। जैसे क्या करते हैं, आकृति भी मतलब देशादी ड्रेस करके आदमी क्या करते हैं, विविध प्रकार का प्ले करते हैं। जब प्ले करते हैं ऐसा उसको ड्रेस कर देते हैं, आप पहचानोगे नहीं। एक दफा उस वक्त हमारा पार्टी नवद्वीप परिक्रमा का वक्त विद्यानगर स्कूल में दो रात रहते थे। एक दिन वो लोग जयदेव प्ले करके दिखाया, लेकिन जयदेव का पत्नी पद्मावती को प्ले किया एक लड़का, लेकिन हमारा मठ का ही एक ब्रह्मचारी वो उनका कोई ये नहीं किया। वो बोलता है ये लड़का नहीं है ये लड़की है, बड़ा जीत से बोलता है ये लड़की है। बोलते नहीं नहीं वो लड़का, बोलना वो लड़की है। ऐसा प्ले करके दिखाया और साहब वो उनको बोला ये लड़की है। बाद में वो देखने के गया वो ड्रेसिंग रूम में, देखा वो लड़का हमारा मठ में आते हैं, लड़का मठ में आते हैं। उस वक्त वहां क्लास सिक्स में पढ़ता था, मठ में आते थे सब हम साथ में। तब वह उस वक्त क्या बोला, अरे तू ऐसा धंधा लगा दिया, पहचाने ही नहीं तुमको, ऐसी बात होता है। तो बोलता है वेशभूषा से जैसे किसीम किसीम का चेष्टा करते हैं, कौन करते हैं नाटक, लेकिन जो नाटों का गुरु सारा विद्या जिनमें वर्तमान जिनसे ही आया, अगर वही भगवान जब क्रियाशील होते हैं तब देव और ऋषि कोई भी नहीं जान सकता है। जान सकता है नारद, नारद पहचाना, माया देखने के लिए इच्छा किया नहीं पहचाना। शिव मोहिनी मूर्ति देख के मोहित हो गया, पहचाना। ऋषिगण भी नहीं, इसलिए बोला मुझ्यंति जत सूरय, एक वचन नहीं सूरय बहु सूरी, ये सब मुझमान हो जाते हैं। सुतरां मेरा जैसे अर्वाचीन अज्ञ ये कैसे इनको यथार्थ रूप से समझ सकेगा, और इनका बारे में क्या बोलेगा। इसी माफी की जो दुर्गई चरित हो रही वो मुझे रक्षा करे। इससे क्या समझाया, भगवान सबके लिए ही दुर्गे हो। जिनका स्वरूप देवता ऋषियों ने भी नहीं जानते हैं। सुतरां जंतु में पशु हाथी और अर्वाचीन तत्व विषय में अनभिज्ञ
मनुष्यवादि भी किसी ने इनको जान भी नहीं सकता, इनको वर्णन भी नहीं कर सकता। नाटो जैसे विभिन्न किस्म का क्रिया दिखाते हैं, उनका भ्रू नेत्र हाथ क्या करते हैं, संचालन करते हैं, अर्थात हाव और भाव। इसी माफी क्या दिखा रहा है ये सारे नाट्य तत्व में जो अभिज्ञ वही जान सकता है, अनभिज्ञ नहीं जान सकते। एक नाटक होता है बोलते हैं उड़ीसी नृत्य, उसमें कोई बात बोलेगा नहीं, हाव और भाव से वो सब दिखाएगा। उस विषय में जो अभिज्ञ ये एक्सप्लेन करता है तभी कुछ समझ में आता। उसका भी किसीम किस्म का प्ले है, हाव भाव से ही करते हैं। इसी माफी नाना आकार में जो लीला करी भगवान, ये कौन समझ सकता है, किस लिए, उनका चरित्र दुर्गेय। दुख से जाना जाता है, इसीलिए लोग समझते हैं जैसे हिरण्यकशिपु 10,000 साल तपस्या करने से भी भगवान का समझा, वो क्या बोले, ये अद्भुत प्राणी ये क्या करेगा, ओहो कि मैं तो निविगंध रूपम, ये आजीव प्राणी है, मनुष्य भी नहीं पशु भी नहीं, ऐसे ही तो देखा। अब प्रहलाद क्या देखा, भगवान। इसलिए कहते हैं एक अगाध चरित्र वैष्णव का बारे में कहा, मूढ़ अवेद्यम प्रणताभिगम्यम।